नीचे से कुछ व्यू ऐसा लगता है। वाह यार, हम लोग आगे अभी पहुंच चुके हैं रानगांव बीच, और बीच काफी मस्त है। My name is Jayant and आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जय स्टोरी। अभी हम लोग जा रहे हैं रानगांव बीच, और टाइम शायद 7 बज गया ना, 7 बज रहे हैं, और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब देखो ना, पता नहीं कैसा होगा, चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ। मिल गया है सनराइज। बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब देखो ना। तो हम लोग आके अभी पहुंच चुके हैं रानगांव बीच, और बीच काफ़ी मस्त है। देखो ये देखो, और एक चीज़ दिखाओ, ये देखो इधर सनराइज हो रहा है। हाँ, तो सुबह सुबह बहुत जल्दी निकला था, लेकिन आने में बहुत लेट हो गए हम लोग। लेकिन बीच थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन बीच अच्छा है, इधर इतना क्लाउड नहीं है, कुछ बहुत कम लोग हैं, और मैं हूँ इधर, मेरे सर हैं, और हम लोग अभी जाएंगे। अभी ये तो फर्स्ट लोकेशन है, और एक जगह पे जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन और एक जगह पे जाएंगे। तो अभी कुछ अच्छा शॉट्स लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। इस बीच का बारे में लोगों को इतना पता नहीं, तो इधर बहुत कम लोग आते हैं। मतलब देखो ना, इतना क्लाउड भी नहीं है, मतलब एकदम शांत वाला बीच है। और तो इस बीच का नाम है रानगांव बीच, और ये रानगांव बस्ती के, मतलब रानगांव साइड में पड़ता है, इसलिए इसका नाम रानगांव है। और रानगांव का मतलब मराठी में इसको जंगल बोलते हैं, मेरे को प्रॉपर पता नहीं, तो अगर भाई मिस्टेक हो गया तो किसी को अगर मराठी आता है तो बोल देना। तो अभी दूसरे लोकेशन में चलते हैं, और चलो देखते कैसा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सनराइज हो रहा है, देखो ना। हाँ, मतलब सुबह सुबह सनराइज देखने का मज़ा एकदम अलग ही, तो मस्त एकदम पूरा एकदम। बहुत दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2 हफ्ता तो हो गया, मतलब आज बहुत दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, और मेरा हालात देखो। तो अभी थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। रानगांव बीच देखने के बाद हम दोनों चल दिए दत्त मंदिर की तरफ, तो चलिए उधर जाके मिलते थे। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन आ चुका है, तो हम लोग अभी जाने हैं इधर ऊपर, ये देखो इधर ऊपर जा रहे हैं, चलते हैं। और बाकी आज बहुत ज्यादा ठंडी है। तो इस मंदिर का नाम है दिगंबरा, और तो इसको कहते हैं दिगंबरा मंदिर, और तो चलते ऊपर और आप लोगों को दिखाते।
सुनने में आया कि ऊपर से पूरा विरार वैसे ही दिखता है, पता नहीं जा रहे और आप लोगों को दिखा रहे। और देखो ना हम लोग ही इस इधर से एकदम नीचे से, मतलब पहाड़ है ना, चलो चलते हैं। तो एकदम पीसफुल वाला प्लेस है, मतलब एकदम बिंदास बैठो, चिल वगैरह करो। तो चलते हैं, और बहुत मतलब थक चुका हूँ। पीसफुल जगह एकदम अच्छा, जो गिरीज के अंदर है। और गिरीज गांव नहीं, मतलब गिरीज है ये एरिया का नाम, जो नाम है वो गिरीज है। और ये जो सामने दिख रहा है वो हम लोग पहाड़ की तरफ आए, वो दत्ता मंदिर। तो नीचे से कुछ व्यू ऐसा लगता है, वाह यार बहुत सुंदर है, मतलब बहुत बहुत। तो अगर आप लोग बसे से हो तो ये वाला मंदिर में भी जरूर आना, बहुत पीसफुल प्लेस है। देखो ना इतना क्लाउड नहीं है, एकदम पूरा एकदम बहुत कम लोग है, मतलब इधर इतना लोग आते नहीं। देखो ना सर कोई नहीं है, एकदम बिंदास चिल वगैरह कर सकते हो, बैठ सकते हो, और व्यू बहुत मस्त आ रहा है, मतलब मेरा देखो ना वाह। देखो ना मतलब बहुत सुंदर जगह है, देखो इधर एकदम मतलब एकदम शांति वाला जगह एकदम कोई नहीं है, बिंदास रहो, चिल करो, आधा घंटा एक घंटा बैठो, एकदम बहुत मस्त है। और फोटोशूट भी करने से मस्त लगेगा इधर, मतलब ये सब पेड़ बहुत मस्त लग रहे हैं मेरे को। तो इसका वीडियो पता नहीं इतना खास हुआ कि नहीं, बस दो जगह घूमे, लेकिन ये मंदिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग बसे में रहते हो तो ये मंदिर एक बार आके देखना, ब्यूटीफुल प्लेस इन बस वही। तो चलो अभी निकलते हैं इधर से। तो अभी चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक कहते कहते मैं थक चुका हूँ। और सब्सक्राइब कर, वो कहते कहते मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से वादा कर दो। और इसका नेक्स्ट ब्लॉग और भी बहुत मस्त होगा, सच में नेक्स्ट ब्लॉग बहुत मस्त होगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।